गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस 9th वीडियो में हम मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड या मिलने थॉम्सन रचना विधि के बारे में जानेंगे, जिसके अनुसार टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन, या हम हिंदी में कहें तो जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषिक फलन एफ जेड का निर्माण करना। बच्चों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें कि इस विधि से हम सीधा एफ जेड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब हम इसका हल लिखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड फंक्शन हमारे पास यू प्लस आयटा बी है, जो कि यू हमारे पास एक्स एंड वाई का फंक्शन है एंड वी भी हमारा एक्स एंड वाई का फंक्शन होता है। अब हमें क्या निकालना है? जब हमें यू दिया है तो वी निकालना है और वी दिया है तो यू निकालना है। यहाँ पर यू एंड वी दोनों संयुग्मी फलन है, ठीक है। अब जब हमें u दिया है तो हमें v निकालना है और v दिया है तो हमें u निकालना है। ये विधि हम आपको पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें हम सीधे एफ जेड को निकालने के लिए हम मिलन थॉम्सन मेथड यूज़ करते हैं, कि जैसे कि मैं लिख देती हूँ इसको। अब हम मिलने थॉम्सन मेथड से हम सीधा एफ जेड ज्ञात कर सकते हैं। जबकि यू दिया हो या वी दिया हो, कुछ भी एक चीज़ दी हो तो भी हम सीधा एफ जेड फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने मिलन थॉम्सन मेथड से क्या कहता है। मिलन थॉम्सन मेथड क्या है? जो मिलन थॉम्सन मेथड है वो हमारा कैसे काम करता है, इज एज फॉलोज। वी नो दैट जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयटा वाई। अब जब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है तो हम ये भी जानते हैं जेड बार इक्वल टू, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, एक्स माइनस आयटा वाई हो गया। तब अगर हमें यू दिया है तो हम यहाँ पर एक एक फंक्शन का पहले रियल एक्स निकाल लेते हैं, फिर हम इमेजनरी वाला वाई निकाल लेंगे। तब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, जेड प्लस जेड बार अपॉन टू इक्वल टू कितना हो जाता है, एक्स। इसी तरह से दोनों को घटा दीजिए, जेड में से जेड बार घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस जेड बार अपॉन ट्वाइस आयटा विच इज इक्वल टू वाई। अब हम फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन ऑफ जेड था यू प्लस यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयटा वी एक्स कॉमा वाई, इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो हमारे पास हो जाएगी यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू ये रख दीजिए, जेड प्लस जेड बार अपॉन टू कॉमा जेड माइनस जेड बार अपॉन ट्वाइस आयटा प्लस आयटा वी जेड प्लस जेड बार अपॉन टू एंड जेड माइनस जेड बार अपॉन ट्वाइस आयटा। ये हमारे पास फंक्शन एफ जेड हो गया। अब ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ए फॉर्मल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब सर्वसमिका। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिलेशन है ये सर्वसमिका में आता है इन किसमें, इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल
जेड एंड जेड बार, तो हम क्या लेंगे, पुटिंग जेड इक्वल टू जेड बार रख दें। अब अगर अपन इस इक्वेशन नंबर वन में जेड इक्वल टू जेड बार रख दें, तो पहले तो हम यहाँ पर ये सपोज़ ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर ए है, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर बी है, तो सबसे पहले हम जेड इक्वल टू जेड बार इक्वेशन नंबर ए एंड बी में रखें, ठीक है। तो ए और बी में हम जेड इक्वल टू जेड बार रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए एक्स इक्वल टू जेड प्लस जेड बाई टू इज इक्वल टू ट्वाइस जेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स, सॉरी इज इक्वल टू जेड, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना आ गया जेड। इसी तरह से हम वाई में रखेंगे तो वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन ट्वाइस आइटा विच इज इक्वल टू जेड माइनस जेड अपॉन ट्वाइस आइटा विच इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ज़ीरो। तो इस तरह से इन दोनों को हम इसमें रखेंगे और आगे इसको हल करेंगे कि ये कैसे निकलता है। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू कितना हुआ, यू इंटू जेड कॉमा ज़ीरो प्लस आइटा वी इंटू जेड कॉमा ज़ीरो। ये हमने किस में रखा था, इधर पीछे देखिए, ये हमने इस इक्वेशन नंबर वन में रखा था। तो इक्वेशन नंबर वन में एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर, ठीक है, ये हमारा आया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास अगर हम एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयटा वी लें तो एफ डैश जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू हम वाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसमें कॉशी रीमान इक्वेशन लगा देंगे क्योंकि हमें दोनों यहाँ पर यू चाहिए, क्योंकि हमें यू दिया हुआ है तो हमें दोनों यू में चाहिए ताकि हम उसका डिफरेंशियल निकाल सकें और उसके बाद हम उसमें वैल्यू रख के इंटीग्रल कर सकें। तो यहाँ पर ये डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये कैसे हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास, सॉरी माइनस आयटा नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ दिस, तो ये हमारे पास सी आर इक्वेशन है। तो इन सी आर इक्वेशन को हमने यूज़ किया यहाँ से, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास हुआ एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आइटा डेल यू अपॉन डेल वाई। दस इफ वी राइट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू थीटा वन एक्स कोमा वाई एंड डेल यू ओपन डेल वाई इक्वल टू हम लिखेंगे साई या थीटा टू, आपकी किताब में किसी में साई लिखा है किसी में कुछ लिखा है, मैं इसमें थीटा वन थीटा टू लिखती हूँ, तो थीटा टू एक्स कोमा वाई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया एफ डेल जेड इक्वल टू थीटा वन एक्स कोमा वाई माइनस आयटा थीटा टू एक्स कोमा वाई, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन एक्स कोमा वाई डी एक्स सॉरी यहाँ पर डी जेड के रेस्पेक्ट में हम करेंगे डी जेड माइनस आइटा थीटा टू
एक्स कोमा वाई। अब इस एक्स कोमा वाई को हम जेड में रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा जेड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन जेड कोमा ज़ीरो डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा थीटा टू जेड कोमा ज़ीरो डी जेड प्लस सी। तो इससे हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो इससे हमारे पास देयर फोर एफ जेड इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन यू एक्स कॉमा वाई इज गिवन। उसको हम वो बना लेंगे u z कॉमा ज़ीरो और उससे हम v निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली इफ v x कॉमा वाई दैट इम्प्लाइज v z कॉमा ज़ीरो इज गिवन v फाइंड u x कॉमा ज़ीरो, सॉरी u x कॉमा वाई और u z कॉमा ज़ीरो। तो इस तरह से हम इसमें फिर फंक्शन ऑफ एफ जेड निकाल लेंगे। तो फंक्शन ऑफ एफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन जेड कॉमा ज़ीरो डी जेड प्लस आयटा इंटीग्रेशन, सॉरी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा थीटा टू जेड कॉमा ज़ीरो डी जेड प्लस सी। ये हमारा मिलन थॉमस का हुआ, इससे हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। इनके जो सवाल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।